ऐसे चार प्राथमिक तरीके हैं जिनमें आप कीटनाशकों से प्रभावित हो सकते हैं। त्वचा, त्वचा संबंधी, आंखें, आंख संबंधी, फेफड़े, सांस लेने से संबंधित और मुंह मौखिक रूप से। 97% एक्सपोजर त्वचा के माध्यम से होता है। शरीर के अंगों की संरूपणों, पानी में विलय तरलों या पाउडर, वेटेबल पाउडर, धूल को समाहित करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इमल्सीकरणीय कंसंट्रेट्स जैसे तेल आधारित तरल संरूपणों के विपरीत दानेदार कीटनाशक आसानी से नहीं प्रविष्ट होते हैं। अनुप्रयोग की तकनीकें जोखिम स्तरों को प्रभावित करती हैं। बड़े जोखिम अक्सर ऊपरी अनुप्रयोगों के दौरान होते हैं, जैसे कि धुंध और धूल के लिए ब्लोअर का उपयोग करना या मवेशी और पालतू पशुओं को नहलाना। दस्तानों और हाथों के माध्यम से कीटनाशक शरीर के अन्य अंगों में पहुँच सकते हैं। जोखिम पीपीई, आयु और स्वास्थ्य पर भी निर्भर कर सकता है। कुछ स्थितियों में आंखों के माध्यम से अवशोषण विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। आंखों का जोखिम वायुजनित धूल, कणों, छिड़काव, छलकाव, टूटी हुई पाइप, स्प्रे मिस्ट या दूषित हाथों या कपड़े से आंखों को रगड़ने के कारण हो सकता है। फेफड़े का जोखिम कीटनाशकों के मिक्सिंग, लोडिंग या उनके अनुप्रयोग के समय हो सकता है। सांस से लेने से नाक, गले, फेफड़े के ऊतक को नुकसान पहुंच सकता है और यह रक्त प्रवाह में प्रवेश करके अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मौखिक जोखिम कीटनाशकों की मिक्सिंग, लोडिंग या उनके अनुप्रयोग या उपकरण की सफाई करने के दौरान हो सकता है। कभी भी नोजल की सफाई अपने मुंह से न करें। अपने हाथों को धोए बिना कभी भी खानपान या धूम्रपान न करें। रसायनों को कभी भी अचिन्हित डिब्बों में न पलटें या सार्वजनिक स्थानों पर रखें। कीटनाशक को मापने वाले सभी कप और डिब्बे ठीक से चिन्हित होने चाहिए और उन्हें खाद्य या पेय पदार्थों से अलग रखना चाहिए। अत्यधिक विषैलापन एक बार की जोखिम घटना से होता है, जो एक्सपोजर के सेकंडों या मिनटों के भीतर दिखाई देती है। पुराना विषैलापन लंबे समय का जोखिम है, जो हफ्तों, महीनों या वर्षों में होता है। पुराने विषैलेपन को एक्सपोजर को सीमित करके तथा कीटनाशक के रखरखाव व अनुप्रयोग के समय लेबल के समस्त निर्देशों का पालन करके कम करें। विषैलेपन के लक्षणों में मतली, चक्कर आना, पिनपॉइंट पुतलियां, पसीना, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभावों के कुछ उदाहरणों में अनुवांशिक परिवर्तन, गैर कैंसर ग्रस्त या कैंसर ग्रस्त ट्यूमर, प्रजनन प्रभाव, रक्त विकार, तंत्रिका विकार तथा अन्य कुछ ऐसे ही रोग हो सकते हैं। लीवर और किडनी वे प्रमुख अंग हैं जो शरीर में रसायन को फिल्टर और भंग करते हैं। अघुलनशील रसायन भंग नहीं हो सकते हैं और अंत में शरीर और स्तन के दूध में फैटी डिपॉजिट्स में जमा होते हैं। शरीर एंजाइमों का उत्पादन करते हैं जो रसायनों का विषहरण करने में सहायता करते हैं। हालांकि निरंतर या प्रायः होने वाले एक्सपोजर इन रसायनों को भंग करने और इनको खत्म करने की शारीरिक क्षमता को समाप्त कर सकता है। क्योंकि लक्षण व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, चिकित्सा पेशेवरों को उन्हें ठीक से पहचानने और उनका इलाज करने का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। EPA की एक पुस्तिका है जिसका नाम रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग्स है। इसे EPA की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। अगर लक्षण एक्सपोजर के 24 घंटे के भीतर दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। आप अपने कीटनाशक लेबल लेकर जाएं। इससे इलाज के उचित तरीके का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। सामान्य बीमारी जैसे फ्लू, निमोनिया या यहाँ तक कि हैंगओवर में भी कीटनाशक के एक्सपोजर के समान लक्षण हो सकते हैं। हालांकि प्रत्येक सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सहायता लें कि लक्षण कीटनाशक से संबंधित नहीं है।